हेलो एस्पिरेंट्स, लेट्स रिवाइज 27 जून करंट अफेयर्स। फर्स्ट पॉइंट है उद्यमी भारत एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया गया विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। इस इवेंट पे चीफ गेस्ट कौन थे? श्री नारायण राणे। एंड गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। सेकेंड न्यूज देखें, न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। न्यू चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं अली बाबा ग्रुप के? तो वो बने हैं जोसफ साई। थर्ड न्यूज भी एक अपॉइंटमेंट ही है, न्यू चेयरमैन ऑफ डीईआरसी। डीईआरसी स्टैंड्स फॉर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। कौन बनी है न्यू चेयरपर्सन इसके? उमेश कुमार। फोर्थ पॉइंट देखें तो आर्टिमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है रिसेंटली स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया ने। अब ये आर्टिमिस अकॉर्ड क्या है? अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, मून को यूज करना है, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मार्स, इनकी स्टडी करनी है, तो उसके लिए एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करना होगा फॉर पीसफुल पर्पजेज। फिफ्थ पॉइंट देखें तो एक कैंपेन रिसेंटली लॉन्च किया गया है, भारत इन पेरिस कैंपेन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। क्यों? अब देखिए, जो हमारा ये इवेंट है ना, जो ओलंपिक गेम्स है, ये अगले साल यानी 2024 में पेरिस में होंगे, जिसका स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। अब इससे रिलेटेड लोगों में जागरूकता लाने के लिए खेलों से रिलेटेड ये कैंपेन लॉन्च किया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023। तो ग्लोबल लेवल की है, 8th एडिशन है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट है, मुंबई में हुई। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जिस टाइम पे कोरोना आया था, इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन डेवलप की, ना सिर्फ अपने देश के लिए बट और देशों में भी भेजा। और क्वालिटी के केस में अगर बात करें, किसी भी देश से कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सो बाकी जो कंट्रीज हैं वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही हैं इंडिया को कि ज्यादा मेडिसिन, ज्यादा वैक्सीन वो बनाए, तो इंडिया भी इस अपॉर्चुनिटी को एज ए मीडियम ले रहा है कि हाँ, वो अब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा मेडिसिन की। तो इससे रिलेटेड ही इस समिट में डिस्कशन हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट समिट। सेवन पॉइंट देखें, साहित्य एकेडमी ने रिसेंटली विनर्स अनाउंस किए हैं बाल साहित्य पुरस्कार के एंड युवा पुरस्कार के। बाल साहित्य पुरस्कार में 22 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है और युवा पुरस्कार में 20 लोगों को। बाल साहित्य पुरस्कार में अगर हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी की बात करें, सूर्यनाथ सिंह को फॉर हिज कलेक्शन ऑफ कौतुक आप ये अवार्ड दिया गया है। एट पॉइंट देखें, यहां भी एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड कौन बने हैं? हंसमुख अदिया। अब ये गिफ्ट है क्या? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है और एक कंपनी है, ये जो गिफ्ट सिटी लिमिटेड है, ये गिफ्ट को मैनेज करने के लिए, गिफ्ट को डेवलप करने के लिए एक कंपनी है जिसके चेयरमैन बने हैं हंसमुख अदिया। नाइन्थ पॉइंट देखें तो इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट आया है एज पर फिच रेटिंग्स, जो कि 6% से इंक्रीज किया गया है टू 6.3% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। टेंथ पॉइंट देखें, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, यानी ऐसी सिटी जहां पे आप रह सकते हैं सबसे अच्छा है हर एक चीज, क्योंकि देखिए इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, फैक्टर्स आपके सामने हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे। तो इन सब के हिसाब से जब स्टडी की गई, मोस्ट लिवेबल सिटी बनी वियना ऑस्ट्रिया और लीस्ट सबसे बुरी जगह रहने के लिए बनी डमेस्कस। इसमें टोटल 173 कंट्रीज की स्टडी की गई थी, फिर उसमें जो भी बेस्ट सिटीज आई हैं उनकी रैंकिंग की गई है। डेटा रिलीज किया गया है ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इंडिया की 5 सिटीज भी इसमें शामिल हैं, न्यू दिल्ली एंड मुंबई का रैंक है 141, चेन्नई 144, अहमदाबाद 147 एंड बेंगलुरु 148। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी चैनल का लिंक जरूर शेयर करें।